नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। आज भागलपुर युवा कांग्रेस के द्वारा भगत सिंह आजाद चौक पर निजीकरण के विरोध में कार्यक्रम किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ का नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं को देखा गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता वर्तमान सरकार की निंदा करते हुए काफी जोशो खरोश में नारेबाजी करते हुए दिखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित आनंद और कार्यक्रम का संचालन भागलपुर विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित शाह ने किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सोशल मीडिया के जोनल कोऑर्डिनेटर नीलेश कुमार दिव्यांशु, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत बनर्जी, नाथनगर विधानसभा अध्यक्ष मुकेश चौधरी, आर्यन राज, सुमित मित्तल, शुभम कुमार, नीरज कुमार, महिर, विनित, अभिनव विहान सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरे देश भर में जो प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है, जो 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया, जो पूछते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, आज पूरा लिस्ट है जो मोदी सरकार उन सबको बेचने का काम कर रही है। प्राइवेट अपने मित्रों को अडानी अंबानी को सौंपते जा रही है, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, सड़क हो, या चिकित्सा हो, या शिक्षा क्षेत्र में हो, हर चीज़ को आज वो प्राइवेटाइज कर रही है और अपने दोस्तों को वो बांट रही है। इसके खिलाफ में आज युवा कांग्रेस पूरे देश में एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है और मांग करती है नरेंद्र मोदी से कि इस प्रकार जो 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया है, उसे ऐसे ही हम नहीं बेचने देंगे। और अपील करते हैं उनसे कि अविलंब जितना भी प्राइवेटाइजेशन वो कर रहे हैं, जो रेलवे का, एयरपोर्ट का, जहाँ पे जरूरत नहीं है, उन सभी चीज़ों को जो वो बेचने का काम करे अपने मित्रों को, वो बेचना बंद करे। और जो कमाई, जो पूंजी, जो पहले कांग्रेस ने उसे बनाया है 70 सालों में, जिसे बनाया है, और आज उनको उनका काम था बचाने का, उसको बढ़ाने का, ना कि बेचने का। तो हम जिला युवा कांग्रेस भागलपुर की तरफ से ये अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से और मांग करते हैं कि आप अविलंब उन सभी चीज़ों को बेचना बंद कीजिए और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए उनका कुछ ऐसा उपाय करिए। आपने वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, और अभी तक वो उनका रोजगार का मिला नहीं, उल्टा अभी कोविड और इन सभी पैंडेमिक में युवाओं का रोजगार छिनता गया। तो हम जिला युवा कांग्रेस की तरफ से मांग करेंगे कि अभी वो प्राइवेटाइज करना बंद करें और सभी सरकारी संस्थानों को बचाने का काम करें, उन्हें संरक्षण दें। अमित आनंद, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस भागलपुर।